हल्द्वानी में हुई हिंसा के बाद हल्द्वानी में कर्फ्यू लगा दिया गया है और हिंसा करने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार किया। इसके अलावा उपद्रवियों को चिन्हित कर कार्रवाई की जा रही है। पुलिस प्रवक्ता आईजी नीलेश आनंद भरने ने बताया कि हिंसा और ज्यादा ना बढ़े, इसके लिए पीएसी और पुलिस के जवानों को तैनात कर दिया गया। पूरे उत्तराखंड में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है ताकि हिंसा और जगह ना फैले। पुलिस प्रवक्ता नीलेश आनंद ने कहा कि पुलिस पूरी तरह से अलर्ट थी, लेकिन चूक हुई है या नहीं, इसके बजाय पुलिस की पहली कोशिश कानून व्यवस्था को दुरुस्त करना है। इस पूरी घटना को क्या इंटेलिजेंस विफलता के रूप में देखा जा रहा है, इसको लेकर उन्होंने कहा कि प्रशासन की ओर से कई दौर की बैठकें हुई थी और इसके लिए पूरी तैयारियां थी। उन्होंने ये भी साफ किया है कि स्थानीय लोग शांति व्यवस्था बनाने में सहयोग कर रहे हैं और अराजक तत्वों को चिन्हित करने की कवायद लगातार जारी है। सीसीटीवी फुटेज के जरिए इनको चिन्हित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 3 लोग इस समय गंभीर घायल हैं और बाकी अन्य घायलों का भी इलाज चल रहा है। अभी इसमें आधिकारिक पुष्टि जो है जिला प्रशासन के द्वारा की जाएगी। अभी 3 जो है वो क्रिटिकली इंजर्ड है और इसमें 50-60 के करीब जो है वो चोटें भी आई हुई है लोगों को। उसमें अधिकारियों को जो है, कर्मचारियों को, पब्लिक के है, कुछ प्रेस के भी लोगों को चोटें आई है, तो इसका जायजा अभी लिया जा रहा है। सर, जिनको चिन्हित किया बाहर से या बाहरी राज्यों से कोई है, ऐसे कुछ इनपुट अभी तक नहीं, अभी जो है वो इसपे जो है स्पष्ट रूप होना बाकी है, लेकिन इसमें जो है कुछ जो है सीसीटीवी के माध्यम से उनको चिन्हित कर लिया गया है और ये कार्य लगातार जो है पुलिस का चिन्हीकरण का जारी है। इसमें पुलिस जो है ड्रोन से भी अभी नज़र बनाए हुए है एरिया में और जो है वो पूरी घटना के सीसीटीवी फुटेज देखे जा रहे हैं। इसमें जो सर क्या लगे घटना इस तरीके के कुछ इनपुट्स अभी तक, इसमें जो है पुलिस अपनी तरफ से पूरी तरह जो है 30 तारीख से ही अलर्ट है, चौकस है। इसमें कई बैठकों का दौर हुआ है, कई नोटिसें दी गई है, फ्लैग मार्च भी पुलिस के द्वारा किया गया है, लेकिन जो है कल जी की जो घटना है, जो न्यायालय के आदेश पर एक संयुक्त टीम जो है अतिक्रमण की कार्रवाई के लिए गई थी जिसपे पथराव हुआ, आगजनी हुई है, तो निश्चित तौर पे उपद्रवियों ने जो है इस मौके का फायदा उठाया है। आम जनता जो है इसमें पुलिस के साथ सहयोग कर रही है और मेरी भी अपील है कि जो है पुलिस के साथ, प्रशासन के साथ जो है शांति बनाए में आप अपील करें, लेकिन उपद्रवियों का साथ न दे, पुलिस उपद्रवियों के साथ सख्ती से निपटेगी। अन्य जिलों में भी कुछ अलर्ट, उत्तराखंड के सभी जिलों में जो है अलर्ट है, जो है बैरियर्स पे चेकिंग की जा रही है। हल्द्वानी के बनफुलपुरा क्षेत्र में सुबह से ही जो है पैरामिलिट्री फोर्स के द्वारा जो है वो फ्लैग मार्च किया जा रहा है, पेट्रोलिंग की जा रही है, स्थिति को जो है पूरी तरह नियंत्रण में कर लिया गया है। पुलिस पूरी तरह सुबह से चौकस है, अलर्ट मोड पर है, पूछताछ जारी है, सीसीटीवी फुटेज सुबह से खंगाला जा रहा है। अब तक जो है उसमें 15-20 लोगों की जो है वो धरपकड़ की जा चुकी है, जिसमें 4 लोग जो है चिन्हित, निश्चित तौर पे चिन्हित किए गए हैं, उनकी जो है गिरफ्तारी की गई है। उसके बाद जो है पुलिस जो है इसमें लगातार जो है अन्य जगहों पर भी अलर्ट है, और भी पैरामिलिट्री फोर्स की कंपनी जो है पुलिस के द्वारा मांग की जा रही है। इंटरनेट सेवाएं पूरी तरह रोक लगा दी गई है, किसी भी तरीके की आवाजाही पर जो है धारा 144 लागू होने के वजह से कोई जो जहां का तहां रुका हुआ है, और पुलिस जो है पूरी तरह इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सख्त है। इसमें जो है पुलिस यूएपी की धारा के तहत भी जो है कार्रवाई इसमें करेगी और उपद्रवियों को बख्शा नहीं जाएगा इसमें।